आइए देखिए, टॉरिसिली थ्योरम हम लोग को क्या बताता है कि जैसे न्यूटन ने हम लोग को बताया था कि अगर एक सर्टेन हाइट से एक बॉडी नीचे फॉल हो रही है तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे निकालते हैं आप निकालते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल, चूंकि ये गिर रहा है यहाँ से तो इनिशियल वेलोसिटी है जीरो और यहाँ पे आ गया टू जी एच। सो फाइनली वी इज इक्वल टू आ जाएगा टू जी एच। कौन सी वेलोसिटी है, वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी है। तो ये जो वी है या हम इसको ऐसे बोलते हैं वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू जी रूट के अंदर टू जी एच। हमने बोला अच्छा ठीक है, हमको वर्टिकल वेलोसिटी मिल चुकी है। अगर मैं बात करूं इसी में टॉरिसिली थ्योरम यहाँ पे ओवर, यहाँ पे अगर बात की जाए कि रेंज की, कि रेंज ऑफ फ्लूइड क्या होगा, तो हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन लगा दो। रेंज मतलब जैसे यहाँ पे लिक्विड था यहां से निकल के गिर रहा है तो ये रेंज कितना कवर करेगा, ये आर है। तो हम बोलेंगे हम ये बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो बोलेंगे रेंज के लिए पहले आपने क्या बोला कि उसकी उसका जो फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू, वो कितना है, कौन सा वी, वी वाई इज इक्वल टू कितना है टू जी एच। तो अगर आपको वी पता है और मान लीजिए मैं इसका अरेंजमेंट ऐसे कुछ रखा हूं कि ये हाइट जो है अपनी क्या ले रहा हूं मैं, मान लीजिए पूरा हाइट कितना है एच है, ठीक है, और ये छोटा सा जो हाइट है ना ये वाला, ये इसको स्मॉल एच ले रहा हूं, तो ये हाइट कितनी आएगी बेटा, एच माइनस एच आएगा। तो हम बोलेंगे कि यहां से देखना क्या आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि एस इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगा दो। एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस यू जीरो लिख रहा हूं मैं, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एस मतलब कौन, ये वाला, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा यू कितना है, जीरो है। तो बताइए एस मतलब है एच माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी, और टी स्क्वायर कैसे मिलेगा, अच्छा टी स्क्वायर नहीं मिलेगा तो एक काम करो टी निकाल लो पहले, और क्या, कितना आ जाएगा टी, टी इज इक्वल टू आ जाएगा टू एच माइनस एच अपॉन जी का रूट। अगर आपको ये टाइम मिल चुका है, ये वाला वेलोसिटी आपको पता है, तो क्या आप रेंज नहीं निकाल सकते, तो क्या आ जाएगा रेंज, रेंज इज इक्वल टू ये वाला वी, ये वाला वी को हम क्या बोलेंगे, ये वी का आपको फॉर्मूला याद है, पता है, याद है आपको, बताइए फॉर्मूला कितना होता है, बता बता जल्दी बता, कहीं पे लिखा था ना तूने वेलोसिटी कितनी होती है, अभी अभी तो देखा था, देखो हाँ, ये रूट में 2gh हाँ वही पूछ रहा गिवन हूं मैं, अपॉन 2 - 1 बिल्कुल। तो कितना आपने बोला, एक बार फिर से मुझे याद दिलाओ, रूट के अंदर टू टू जी जी एच एच हाँ, और नीचे क्या है बेटा, a1 by a2 का स्क्वायर माइनस वन ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर, ऐसे ना हाँ वैसे इंटू वैसे ए वैसे वन, हाँ ऐसे लिखा था हमने लास्ट में, बोला था कि ऐसे कर देना, अच्छा हमने बोला अच्छा ठीक है, ये वाला ले रहे हो आप, कौन सा लेना चाहेंगे, अच्छा कोई सिंपल सा फॉर्मूला चाहते थे हम, कि हमको ना बढ़िया कोई छोटा सा फॉर्मूला मिल जाए। अच्छा क्या रेंज इज इक्वल टू पहले लिख ले, ठीक है, हम बोल रहे हैं ये फॉर्मूला है, मतलब ये तो वेलोसिटी है, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना है बेटा, तो ये लिख ले आप, ट्वाइस ऑफ एच माइनस एच अपॉन जी। आप चाहो तो ये जी और ये जी को उड़ा सकते हो यहाँ से, और क्या कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे एरिया, अच्छा एक बात बताइए जो सेकेंड एरिया है, चूंकि बहुत छोटा सा ओपनिंग है, वो छोटा सा ओपनिंग है तो मैं इसको हटा दूं क्या, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये और ये रूट के अंदर स्क्वायर कट जाएगा तो यहां से ये भी कट जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा बताओ, तो रूट के अंदर टू एच और यहां पे आ गया रूट के अंदर टू एच माइनस एच, और नीचे आई थिंक कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है ना कुछ भी नहीं, तो आप ना रूट टू मिला के क्या बाहर निकल जाएगा टू, और रूट के अंदर आ जाएगा एच इन टू एच माइनस एच। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से आपको, देखिए तो कि कैसे हमने कैलकुलेट किया, नहीं नहीं दिक्कत है। ध्यान दीजिएगा कि रेंज वाला जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पे भी वेलोसिटी की चर्चा ही नहीं हुई, देख रहे हो, कहीं पे वेलोसिटी का खाली हाइट से मतलब था, तो हम बोलेंगे रेंज इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ बिलो वेलोसिटी, बिलो ग्रेविटी का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कि चांद पे जाके करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ और आ जाएगा रेंज, वही रहेगा,
और टाइम का भी कोई फर्क नहीं है। क्या टाइम तो अलग ही बात थी, टाइम का तो कोई होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन ग्रेविटी का नहीं होना ये बड़ा बढ़िया बात था कि चाहे हम यही एक्सपेरिमेंट चांद पे करें और बोले कि देखो उसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस बात। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि रेंज डिपेंड किस पे करता है, हम बोलेंगे रेंज डिपेंड करता है कि होल जो है ना वो कहां पे किए हो तुम। रेंज डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन ये जो होल है इसको थोड़ा बढ़िया नाम दो, इसको हम ओरिफिसी बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन ओरिफिसी पोजिशन। ठीक है, नहीं बोलने का मन है आपका ओरिफिसी तो आप इसको होल बोल सकते हो। ठीक है, होल या स्मॉल ओपनिंग जो मन है आप बोलिए। हाँ सर, होल बेटर है, जो जो मन है। ठीक है, कोई ये नहीं है, ऐसे ही थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए बोल दिया था। देखिए रेंज जो होता है, अगर मैं बात करूं कि रेंज मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा बेटा, तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ एच, और यहाँ पे है एच माइनस एच। बेटा ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो। ये पार्ट मैक्सिमम कब होगा, जब ये छोटा वाला, नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, ये छोटा है तो ये भी छोटा रहेगा। तो एक काम करते हैं, आपको पता है ये मिनिमम होने के लिए, आर मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए dr अपॉन dh निकाल लो या dx निकाल लो। हम dh निकाल, यहाँ पे h निकाल लेते हैं क्योंकि हाइट इज वेरिएबल। अगर इसका इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ बताइए रूट के अंदर h और h माइनस h, और यहाँ आ जाएगा h माइनस टू एच। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देख लो क्या क्या चीजें जीरो होने वाली है, तो हम बोलेंगे h माइनस टू एच इज इक्वल टू जीरो, मतलब हाइट इज इक्वल टू टू एच। मतलब आप मिड पॉइंट पे रखिएगा ना, ये बर्तन है मिड पॉइंट पे रखोगे तो सबसे ज्यादा क्या करेगा, दूर तक जाएगा ये। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा ऊपर कर दिया थोड़ा और दूर जाएगा, नहीं नहीं और दूर कीजिएगा तो इसका प्रेशर ही इतना कम होगा कि इधर ही कहीं पे गिर जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एकदम सेंटर पे। ठीक है, हाइट कितना होना चाहिए, तो एकदम सेंटर पे। अगर आप वर्ड में लिखना चाहते हो, वर्ड में लिख दीजिए इस बात को कि एट द मिडवे, एट द मिडवे बीच में कहीं पे ऑफ टोटल हाइट, किसका तो टोटल हाइट, द रेंज विल बी मैक्सिमम, द रेंज विल बी मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज होगा कितना, तो हम बोले मैक्सिमम रेंज जो होगा वो कितना होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए टू, और एच के जगह पे आपने बोला कैपिटल एच अपॉन टू लिखेंगे सर, लिख दीजिए एच माइनस कैपिटल एच अपॉन टू। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये भी एच बाई टू रूट के बाहर निकलेगा, तो ट्वाइस ऑफ एच बाई टू निकलेगा, मतलब एच बाई टू, टू टू कट गया, मतलब जितनी हाइट थी ना उसकी, ये जितनी हाइट थी इतना ही दूर तक मैक्सिमम वो जा सकता है, अगर वो यहां से जाए तो इतना मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है, इतना ही दूर। कोई बोल दे कि देखो हाइट जो है ना बर्तन की हाइट जो थी वो 15 सेंटीमीटर थी, लेकिन इतना रेंज जो है ना वो रेंज जो है 20 सेंटीमीटर आया है, तो आप बोलेंगे कि सही है कि गलत है, कभी ऐसा हो सकता है, गलत है, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, कि मैक्सिमम तो 15 ही जा सकता है भैया, इससे ऊपर तो जाएगा ही। चलिए इस बात को लिख लीजिए। चलिए, तो ये दो सवाल मैंने आपको दिया है, जल्दी से दोनों सवाल सॉल्व करके बताइए, उसके बाद नहीं हो पाया तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। सेकंड वाला अजीब दिख रहा है। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट तो आपने कर ही लिया होगा, इसमें पाई की वैल्यू है 3.14 आप ले लो तो देखोगे कि चीजें कट गई हैं, मास से डिवाइड डिवाइड करना है, तो हमको लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे भी हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर टू पे। देखिए ए तक तो आपको मिल गया होगा, ए इतना है, ठीक है, यहाँ तक बात कैसे मिला होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है इतना, और फिर मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि ए इज इक्वल टू होता है वी डी वी अपॉन डी एस, कि नहीं पता ये वाला बात। देखो ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है कि नहीं, आपने बोला सर डी टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डी एस लिखेंगे, यहाँ पे भी डी एस अपॉन डी टी लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या इस बात से, नहीं ना, नहीं तो हम बोल सकते हैं क्या कि हाँ इसको वी बोल सकते हैं, डी टी वी, हाँ वी डी वी अपॉन डी एस लिख सकते हैं, हाँ जी dv upon ds। अब आप देखो a के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने निकाला था, इज इक्वल टू क्या आ गया, v dv upon ds, ये और ये बेटा कट गया यहाँ से,
डीएस को इधर ले आओ, 6 पाई, और ये, और यहाँ पे डीएस, यहाँ पे एम इज इक्वल टू डीबी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा डीबी का, वी नॉट से जीरो, और यहाँ पे डीएस कहां से कहां तक होगा, हम बोलेंगे जीरो से एस, एस डिस्प्लेस, हाँ 6 पाई आर, यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस वी नॉट, ठीक है, जीरो माइनस वी नॉट, तो वी नॉट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देख लो कि यहाँ पे आपको एस चाहिए था, एस आपको निकालना है, बताइए कितना आएगा, एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा वी नॉट एम अपॉन 6 पाई और एस, सही है, आर अपॉन एम, हाँ। तो ये हो गया हमारा एस की वैल्यू। आपसे शायद यही पूछा था कि कितना दूर चल के जाएगा बिफोर स्टॉपिंग, ये पूछा था। ओके चलिए अब आपको सिखाते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होते हैं। अगली हेडिंग है अपनी टर्मिनल वेलोसिटी, आपको लिखना था क्या वो? नहीं सर, मैं सॉल्व कर लेता सर, आपके साथ सॉल्व कर रहा था। ओके अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी की, कि टर्मिनल वेलोसिटी कितना होता है और ये क्या होता है, ठीक है। हम बोलेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्लाउड है, क्लाउड से बारिश की बूंदें नीचे गिर रही है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो, एक मिनट रुक जा, हाँ जी ठीक है, हम बोल रहे हैं कि देखो मान लो ये बारिश की बूंदें हैं, ये है बारिश की बूंदों का जो एक्चुअल वेट होगा वो W नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स भी लग रहा है FV, तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स या बोले हम नेट वेट, जो हमको नेट वेट नहीं ऐसे बोलना कि वेट जो ऑब्जर्व्ड है वो कैसा होगा, वेट माइनस FV आएगा, विस्कस फोर्स से थोड़ा सा कम आ जाएगा, सही है, मतलब ऑब्जर्व्ड जो आपका रहेगा वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा कम आएगा, हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ रेन ड्रॉप इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल वेट ऑफ रेन ड्रॉप, क्यों, क्योंकि विस्कस फोर्स उस पर एक्ट कर रहा था, ठीक। अब सोचो कि हम बोल रहे हैं कि एक बारिश की बूंद है जो जिसको नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के खींचने की वजह से बारिश की बूंद जो नीचे गिर रही थी उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ जैसे ही आप नीचे चलना स्टार्ट किया, जैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ने लग गई, आपको पता है ना जब जैसे ही वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है तो एक विस्कस फोर्स एक्ट करने लग जाता है, हाँ, जिसमें वी पे पावर कुछ था, बी था शायद, आर पे पावर ए था, ऐसे ही था ना, तो जैसे ही अगर 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 वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, मतलब जब ये चला तो वेलोसिटी बहुत कम थी, बहुत कम थी, तो विस्कस फोर्स भी बहुत कम था, नेग्लिजिबल था, लेकिन चलते 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 जैसे ही उसकी वेलोसिटी थोड़ी अच्छी खासी हो गई तब उस पर विस्कस फोर्स भी ज्यादा लगने लग गया। सोचो एक ऐसा समय आया बेटा जिसमें कि विस्कस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस फोर्स, वो जी के बराबर आ गया। अब जी के बराबर आ गया मतलब इस रेन ड्रॉप पे अब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि क्या बोल रहा हूं? देखो जैसे ही वो यहां से चला तो उस पे क्या हो रहा था, ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ज्यादा बड़ा था और एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस फोर्स वो कम था, लेकिन चलते चलते जब वो आगे बढ़ते गया तो धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस फोर्स उसकी वैल्यू बढ़ गई। एक समय आया जब दोनों बराबर हो गए, जब ये दोनों बराबर हुए तब आप बताइए कि क्या इस पे कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, अब नेट एक्सेलरेशन, एक नीचे था एक ऊपर था, कैंसिल हो गया एक दूसरे का, तो एक ऐसा समय जब जब एक्सेलरेशन क्या हो गया, देखो अ टाइम कम्स, यहां लिख के आता हूं, अ टाइम कम्स व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इस समय पे, हाँ इस समय पे, दिस टाइम वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप
इज कॉन्स्टेंट, क्या हो जाता है इस समय? कॉन्स्टेंट, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो कॉन्स्टेंट हो गया। इस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या आपको बात समझ में आ गई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? सर तो टर्मिनल वेलोसिटी बेटा इसको हम लोग बोलते हैं। ये रेन ड्रॉप में ही नहीं, हर जगह पे हो सकता है। मान लीजिए हमने पानी यहाँ पे लिया, इसमें बहुत नीचे तक इस बॉडी को जाना है, जैसे जैसे नीचे जा रहा था उसकी क्या हो रही थी, उसका उस पर ग्रेविटी लगते जाता, स्पीड बढ़ रही थी। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब आप नीचे जाने में उसको उस पर विस्कस फोर्स भी उतना ही लग रहा है जितना कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा था। तो एक कुछ समय के बाद जब ये यहाँ पहुंचा होगा तब वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाएगा, वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा। इस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। बोलो, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपको हम इसका मैथमेटिकल जो रूप है ना वो दिखाते हैं। वेट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे वेट इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स प्लस क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे कि विस्कस फोर्स। समझो, वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा था, ऊपर में कौन लग रहा था? एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और एक क्या लगेगा? विस्कस फोर्स भी लगेगा। अपवर्ड फोर्स जिसको बायंसी बोलते हैं, हमने बोला अच्छा ठीक है। बायंसी का फॉर्मूला जो है आपको याद होगा क्या होता है? वॉल्यूम रो और जी। V for volume है, velocity नहीं है। रो जी। हाँ। और यहाँ पे बताइए ये क्या होता है? अगर पानी के अंदर विस्कस फोर्स रहेगा तो कितना होता है? 6 pi। हाँ जी, R और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, Vt मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, V मतलब वॉल्यूम, 6 pi eta। हाँ, तो क्या आप यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? क्या बोलना चाहेंगे आप कि Vt इज इक्वल टू वेट, फिर यहाँ पे आ गया वॉल्यूम रो जी, और यहाँ पे आ गया 6 pi eta r। ठीक है, और ये क्या आ गया? ये आ गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या आ गया? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इसी में अगर आपका मन करे कि वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो चलो पुट करते हैं, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा वेट मतलब हो गया मास, मास मतलब हो गया डेंसिटी, डेंसिटी किसका? सॉलिड का, और वॉल्यूम, ठीक है, हाँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पे जी, और यहाँ पे क्या है बेटा? वी रो और जी, ये किसका है? लिक्विड का है, डिवाइडेड बाय 6 pi eta r। अब यहाँ से आप चाहो तो वॉल्यूम और वी इंटू जी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड माइनस लिक्विड, और यहाँ पे 6 pi eta r क्या दे देगा? ये टर्मिनल वेलोसिटी। आप चाहे तो इस रूप में भी इसको याद रख सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट तो यहीं से जनरेट हुई है, तो आपको जैसे मैंने वैसे याद रखिए, हो जाएगा। थोड़ा सा और बता दीजिए। हाँ, थोड़ा सा और बता दूं, नहीं तो एक और चीज देखना, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है ना, स्फीयर में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि हम स्फेरिकल वाली चीजें ले रहे हैं ना, तो वॉल्यूम होता है 4 by कितना बताओ? बताओ, 4 by 3 pi r³। सही है, और यहाँ पे कितना आ गया? जी। यहाँ पे है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे आ गया 6 pi और ईटा, और यहाँ पे r। जो जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उसको कैंसिल कर लीजिए, पाई पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, तो हम बोलेंगे 2r², ये r स्क्वायर भी यहाँ से कटेगा, 2r² / 3 जी, नहीं 3 नहीं 9 हो जाएगा, 9 होगा करेक्ट। कितना आ गया? 2 / चल फिर से लिख देता हूँ, 2r² g डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 9। कुछ छूटा नहीं ना, ईटा छूट गया, देखो ये हाँ एन ईटा, ठीक है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि स्फीयर के लिए आप हर चीज पढ़ रहे थे, तो स्फीयर का वॉल्यूम भी पुट ही कर दो भाई। अब अगर इसी में मैं एक ग्राफ बनाना चाहूं तो देखो ग्राफ कैसा रहेगा, किसके किसके वर्सेज हम ग्राफ ले रहे हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के वर्सेज। तो इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, शुरुआती टाइम पे ऐसा रहेगा, टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी शुरू में बड़ी कम होगी, बाद में कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है ऐसा। ओके, लिख लीजिए इसको। अच्छा, अगर मैं रेडियस पे, अगर मैं डिस्टेंस पे बात करूं तो
तो देखो ठीक है, ये आर है, जैसे जैसे रेडियस हाँ तो रेडियस नहीं, स्क्वायर, रेडियस नहीं, रेडियस नहीं, ये है किस पे, ये है दूरी पे, डिस्टेंस पे। जैसे यहां से बादल से चल के आया ठीक है, और बीच में कहीं पे पहुंचा, वहां के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, नहीं बढ़ रही है ठीक है, तो नहीं बढ़ रही है तो ऐसा कुछ हो जाएगा आप, उसके बाद ये कांस्टेंट ऐसे चल गया। तो जब शुरू में जब आप देख रहे थे यहां से जब चला था तब धीरे धीरे बढ़ रही थी ये ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी, एक समय पे आके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो ऐसा चलेगा, लेकिन उसको हम लोग दिखाते नहीं है। बोलो टर्मिनल वेलोसिटी समझ में आ गया?